बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त कोयला चिकन बनाने की रेसिपी दूंगा। इतना टेस्टी मज़ेदार बनता है कि मैं आपको क्या बताऊं, बिल्कुल स्पेशल इंग्रेडिएंट्स के साथ। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। 1 kg मैंने चिकन ले लिया था और 1 tablespoon इसमें जाएगा लहसुन क्रश किया हुआ और 1 tablespoon ही अदरक क्रश किया हुआ। 4 tablespoon इसमें जाएंगे लेमन जूस के। और स्पाइसेस मैंने ले लिया है 1 teaspoon नमक, 1 teaspoon सुर्ख मिर्च, 1 teaspoon कुटी हुई मिर्च, 1 teaspoon साबुत ज़ीरा, 1 teaspoon धनिया पाउडर, 1 teaspoon ज़ीरा पाउडर, 1 teaspoon गरम मसाला, 5 tablespoon मैंने ले लिए थे मेल्टेड बटर के। इसको लाजमी ऐड कीजिएगा, इसको आपने स्किप नहीं करना। और 1/4 cup मैंने ले लिया है दही के, ये जाएगी इसमें। और टोमेटो प्यूरी मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, वो ऐड कर लीजिए। या टमाटर को किस तरह से सेव करना है, उसका पाउडर है वो भी मैं आपको सिखा चुकी हूँ। दोनों में से जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो वो मैंने ऐड किया। टमाटर की पाउडर मैंने ऐड किया 1 tablespoon। दोनों की वीडियो लाजमी देखिएगा, बहुत ईजीली आप दोनों चीज़ें बना के रख सकते हैं, बहुत ईजीली आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से 4 चीज़ें मैंने मिक्स कर लिया। आप मैंने फॉइल पेपर ले लिया और कोयला मैंने गर्म कर लिया था ऑलरेडी। इसको रखेंगे, थोड़ा सा इस पर ऑयल 1 से 2 ड्रॉप्स डालेंगे और इसको कवर कर देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि इसमें इसकी स्मोक का फ्लेवर आ जाए। अगर आपको बहुत ज़्यादा फ्लेवर पसंद हो तो आप 10 मिनट भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने तकरीबन 7 मिनट रखा था इसको। ये देखिए, इसके अंदर अच्छा सा फ्लेवर आ चुका है। अब हम इसको रखेंगे एक साइड पे। अब चलते हैं इसको बनाने की तरफ। 30 ग्राम मैंने बटर ले लिया था जो मेल्टेड किया हुआ, तकरीबन 3 से 4 tablespoon होगा। और 3 tablespoon ही मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया, वो इसलिए ऐड किया कि बटर हमारा जले नहीं। बटर हमारा मेल्ट हो गया, अब हम इसमें जो मैरिनेटेड हमारा चिकन था ये डाल देंगे इसमें और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। और इसको तकरीबन 30 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर रख देंगे कुक होने के लिए। अब ये देखिए जी, 30 मिनट हो चुके हैं, चिकन हमारा ऑलमोस्ट 80-90% टेंडर हो चुका है। अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। थोड़ा सा इसमें जो पानी रह गया इसको भी अच्छी तरह से हम ड्राई कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये कोयला कढ़ाई तैयार होती है और बहुत झटपट से तैयार हो जाती है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं इसमें करनी पड़ती और टेस्ट में बहुत ज़्यादा लाजवाब। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पानी हमारा ड्राई हो चुका है। अब मैंने 3 लार्ज साइज के टमाटर ले लिए थे, उसको सेंटर से मैंने कट कर लिया था, इसके ऊपर रख देंगे। और पानी इसका ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, अब हम इसमें तकरीबन 3 से 4 tablespoon पानी के ऐड कर देंगे ताकि हमारा चिकन जले नहीं। और अब इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, ताकि ये जो हमारे टमाटर थे इसकी स्किन थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट हो चुके हैं, देखिए टमाटर की स्किन बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसकी स्किन को रिमूव कर देंगे। अब इसको 5 मिनट के लिए जब हमने कवर करके रखा था ना, अब इसलिए ये जो स्किन है इसकी ईजीली आप इसको रिमूव कर सकते हैं, बहुत इजीली आप इसको रिमूव कर सकते हैं स्किन को। ये देखें, बहुत इजीली सारी स्किन रिमूव हो चुकी है। अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे टमाटरों के साथ। अच्छी तरह से आपने टमाटर के साथ इसको भून लेना है कि टमाटर भी हमारे अच्छी तरह से मैश हो जाएंगे। और ज़बरदस्त सा इसको आपने भून लेना है। देखिए इस तरह से लाइट लाइट सा आप मैश करते जाएंगे और साथ साथ इसको भूनते जाएंगे। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मज़े मज़े की रेसिपीज़ बहुत सी मैं बना चुकी हूँ, आप सबको ट्राई कीजिए, और ताकि आने वाली भी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें। टमाटर ऐड करके अच्छी तरह से हमने भून लिया था। अब हम इसमें तकरीबन 1/4 cup के करीब दही ऐड करेंगे और दोबारा से अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। दही ऐड करके भी ज़बरदस्त सा हमने भून लिया इसको। ग्रेवी इसके देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनी है, टेस्ट में भी बहुत मज़ा आता है इसका। लास्ट में ब्लैक पेपर का पाउडर थोड़ा सा आपने इसके ऊपर डाल देना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसको सर्व कर देना है। रेसिपी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। लास्ट में बारीक बारीक अदरक, हरा धनिया और लास्ट में बिल्कुल थोड़ा सा बटर आप इसको सर्विंग के टाइम रखिए और इसको सर्व कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, ताकि मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफिज़।